अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक है। हम रिव्यू करेंगे तीन नंबर केज की सूरत हाल का, कि आज क्या सूरत हाल है इनकी। ये है अल्बाइनो रेड आइटो, अल्बाइनो स्प्लिट इनो। ये ब्रीडर पेयर है, ये एगलिंग की हुई है इन्होंने। ये हम इसके ना केज को देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या प्रोग्रेस है इनकी, हमने देखी नहीं है। अभी इन्होंने एगलिंग करेंगे ये, अभी बता रहे थे कि अभी स्टार्ट हुए हैं। ये देखो साफ बनना शुरू हो गए हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी ही क्रॉस करेंगे। फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारे पास अल्बाइनो रेड आइटो पेस्टल इनो। ये मेरे ख्याल में बता रहे थे करीम भाई, ये हमारा बेटा है अल्बाइनो रेड आई। नीचे पता नहीं क्या देख रहा है, क्या देख रहे हो भाई? अल्बाइनो रेड आई। अभी मैं आपको पेस्टल इनो दिखाता हूँ केज के अंदर, अभी निकली ना नहीं तो पेस्टरिन दी। और माशाल्लाह दो अंडे दिए उन्होंने, एक पे डेट लिखी हुई है और एक न्यू अंडा है ये पेस्टरिन का। और मेरे ख्याल में ये ब्लू पेस्टरिन ही है, इसकी ये पूछ है ना वो नहीं है। अभी हम चेक करने की कोशिश करते हैं इसके अंडे की, अंडे आया कि उसने फ्रेश दिया कि नहीं। डर भी नहीं रही, मेरे ख्याल में ये अंडा दे रही है, शायद इस वजह से नहीं हिल रही अपनी जगह से। ये दो अंडे इसके हैं और इसको अभी फोस्टल नहीं किया, अभी फोस्टल करेंगे, शायद एक दो अंडे हो जाते। फर्टाइल, जब तक इसकी फर्टाइलिटी क्लियर नहीं होती तब तक यही नंबर फोर को हम कहीं शिफ्ट नहीं करेंगे, इनके अंडे शिफ्ट नहीं करेंगे। और ये पिछले साल का पेयर है, इसने पिछले साल भी अंडे बच्चे दिए थे और इसको फोस्टल किए थे स्पेशली, तो इस दफ़ा पहली दफ़ा कर रहे हैं ये ब्रीड, इस सीज़न का पहला क्लच कर रहे हैं अभी। वो देखो मेरे ख्याल में अंडा दे रही है, मैं थोड़ा सा ना इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर दी, तो करीम भाई को नहीं पता अभी इसका अंडा इसने दे दिया या नहीं दिया, लेकिन ये अंडा दे रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे कोई भी अच्छे बच्चे निकलेंगे, और जो हमारे लिए और अल्लाह ताला की करम नवाजी से, हम इसको पाँच मिनट बाद फिर देखते हैं कि इसके अंडा दिया या नहीं थोड़ी देर में। जी अब दोबारा देख रहा हूँ तो इसमें माशाल्लाह तीसरा अंडा भी दे दिया, अभी फिर ऊपर बैठ रही है अंडे के ऊपर। ये देखें दो अंडे, एक अंडा पहले दिया था उसकी डेट ऑफ मेंशन है, दूसरा अंडा मेरा ख्याल आज सुबह दिया और तीसरा अभी दिया है, अभी भी जो आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम अभी कम से कम चार से पाँच दिन देखेंगे हम इसको, फिर इसको फोस्टल कर देंगे। जैसे जैसे ये होगा ना ब्लड लाइन क्लियर होती जाएगी ब्लड, तो वैसे वैसे हम इसको ना शिफ्ट कर देंगे ग्रीन फिशर में या कॉमोलेटिनो के नीचे।